हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज कहानियों का ये शो लेकर, कहानियों की शाम लेकर हम आपके सामने आए। तो दोस्तों तैयार हैं आप? चलिए। उनके देखे से आ जाती है चेहरे पे रौनक और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या हाल है मेरी जान? हल्द्वानी शहर एक ऐसा शहर है जिसने बेहिसाब यादें दी हैं, बेहिसाब बातें दी। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज कहानियों का एक शो लेकर, कहानियों की शाम लेकर हम आपके सामने आए। तो कहते हैं सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है, तो ईश्वर को आवाज दें, क्या कहते हैं? एक बार जोरदार तालियां हल्द्वानी शहर के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। और खूबसूरत बनाने का वक्त आ गया। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्या अथक मेहनत, रोटी बैंक आपको और ये खूबसूरत से लोग ये शानदार शाम को और शानदार बनाने के लिए। तो कुछ देर के लिए पूरी तरह से फुर्सतों में बैठ जाइए, किसी को रिप्लाई मत कीजिए, किसी के कॉल का जवाब मत दीजिए, बस खुद को रखिए और इन बातों को अपने साथ रखिए। तो चलिए शाम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ, आपने इंटरनेट पे, रेडियो पे, हर जगह बेपनाह मोहब्बत दी है और आज इस शहर में हल्द्वानी शहर जो यादों का शहर है, बातों का शहर है, जिसने पहली बार ट्रेन से मुलाकात कराई थी, जिसने पहली बार बताया था कि जब छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जाते हैं तो कितना कुछ छूट जाता है, तो उसी शहर में गीतों को आवाज़ देने के लिए कमल जी ना मेरे बड़े भाई नीरज कहोन पर हैं, सूरज गिटार पर, अभिषेक कीबोर्ड से आपका साथ दे रहे हैं। आज बहुत पुराने चेहरे दिख रहे हैं, तो सब अपने ही हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो अपनों के नाम भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है यार। सबसे पहले रवि के बारे में बात करें तो रवि रोटी बैंक इस वक्त में जब दो रोटियों के तलाश में लोग अपने शहर को छोड़ देते हैं, एक ऐसी मुहिम है जहां हर शाम लोगों के पास रोटियां पहुंचती हैं और लोग अपना पेट भर पाते हैं, तो रवि रोटी बैंक के नाम एक बार मैं चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर के और दिल से तालियां दें रवि रोटी बैंक के नाम। और अब बारी है उस इंसान को याद करने की जिसकी वजह से शायद मैं यहां तक हूं, यहां पहुंचा हूं, एक ऐसी आवाज जिसने मुझे भी हिसाब यादें दी, जिसने मेरे हिस्से में बहुत कुछ दिया, जिसके गीत आज भी मेरे साथ हैं, जो आज भी लगता है कि मुझसे बातें करता हुआ मेरे साथ मौजूद है, वो नाम
दादा के नाम से जाना जाता है, पप्पूदा। पप्पूदा की इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं कि उनकी बातों को याद करें तो पता नहीं क्यों एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो आज के शो की शुरुआत हम अपने पप्पूदा के गीत से ही करेंगे और उसके बाद आपको ले जाएंगे एक कहानी के सफर में, जो खूबसूरत सी कहानी है और मुझे यकीन है कि आप उस कहानी के साथ जुड़ेंगे और इस दौड़ती भागती दुनिया में अपने हिस्से की जरा सी फुर्सत बटोर लेंगे। तो चलते हैं उस गीत की ओर। शहर से थोड़े से दूरी पे एक शहर है रामनगर। आपने रामनगर का नाम सुना है? यस, बिल्कुल सुना है। जितने लोगों ने रामनगर का नाम सुना है एक बार ताली नहीं, हाथ उठा लें, ताली नहीं, यानी सभी लोग जानते हैं रामनगर। तो मैं प्रोग्राम के लिए रामनगर जा रहा था, उस दिनों एंकरिंग का थोड़ा शौक लगा हुआ था और उसी प्रोग्राम में आई थी वो, डांस के ग्रुप में थी और मैं एंकरिंग कर रहा था। वो शाम उससे मुलाकात तो नहीं हो पाई प्रोग्राम पे, पर जब हम वापस लौट रहे थे तो एक पब्लिक बस में उसकी मेरी मुलाकात थी। उस मुलाकात ने काम बहुत कुछ बदल दिया मेरे अंदर। आज भी जब मैं कहानियां सुनाया करता हूँ तो उसकी याद आती है और उसी बात पर एक बार लिखा भी था कि मैं जब भी कहानियां सुनाता हूँ मेरे ख्यालों में होती है एक लड़की जो थोड़ी पागल है, थोड़ी अलहड़ है और बेपनाह खूबसूरत। उससे बातें रोज करता हूँ मैं, उसे बाहों में भी रोज भरता हूँ मैं, मगर ये बस ख्यालों में होता है और यही एक तरफा प्यार में होता है। मोहब्बत में जब दो दिल मिलते हैं ना तो आपके साथ बहुत कुछ चलता है। मैं चाहता था कि उसे बातें करूं, लेकिन आंखों ही आंखों में बातें होती। अगर आपने पहली बार किसी से मोहब्बत की हो, पहली बार आप किसी से मिले हो, तो आपको याद होता कि कितना खूबसूरत एहसास होता है वो। तो हल्द्वानी से थोड़ा पहले उसका घर आता था तो वहीं वो उतर गई अपनी बस से, पर मैं इंतजार में था कि उसका नाम तो पूछूं। तो शाम जब मैं घर आया तो भवाली एक शहर है जहाँ मेरा घर है, यहाँ से तकरीबन दूरी उसकी 35 किलोमीटर है और किराया उन दिनों 55 रुपये के आसपास हुआ करता था। पिताजी से पैसे मांगकर यहाँ वहाँ जाया करते थे। तो शाम भी जब घर पहुँचे तो पता नहीं कैसे माँ को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। ये मम्मी अब पहचान कैसे जाते हैं? दिल में जो चल रहा होता है, दिल के जो ख्याल होते हैं, मम्मी पहचान जाती हैं। माँ ने पूछा, क्या रे थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है? अब माँ पूछ तो रही थी, उसके बाद टोकती जरूर है। तो मैं ये बात जानता था तो शाम मैंने माँ को वो सब कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही करवटें बदलता रहा। हर रोज माँ की डांट खाकर उठने वाला बच्चा अगली सुबह 5 बजे उठ गया था। मैं भवाली में अपने घर की छत पर खड़ा था। अगर आप कभी भवाली रहे हो तो जानते होंगे कि कितनी ठंड होती है वहाँ। मैं छत पर खड़ा हुआ फेसबुक चला रहा था। उन दिनों फेसबुक का ब्राउजर चलता था और ये एप्लीकेशन नहीं आया था, और मैं तलाश कर रहा था उस चेहरे को। वो मिली नाम मालूम नहीं था तो मिलती कैसे। फिर मैंने तलाश करना चाहा उसे, कुछ दोस्तों के प्रोफाइल को देखा तो वहाँ म्यूचुअल फ्रेंड में चेहरा दिखा जिसे मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब इंतज़ार था कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और दिल ही दिल में धड़कने बढ़ रही थी। सुबह के 5 बजे थे और उस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि ये वक्त हमेशा के लिए यादगार रह जाए, और ऐसा ही कुछ हो भी गया उस दिन। तुम परदेसी किधर से आए, तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूँ क्या
जाड़ों वाली नहीं लग रही थी, क्योंकि किसी से आज मिलने का ख्याल था, किसी से बातें करने का ख्याल था। दूसरे उस 5:30 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, वो ऑनलाइन नहीं है। सुबह के 6 बज गए, माँ ने मुझे देखा और कहा, इतनी सुबह क्या हो गया, आज तो तेरे को उठाना भी नहीं पड़ा। नहीं तो ये यकीन मानिए कि मम्मी हर सुबह 6 बजे बोलती थी, 8 बज गए, 7 बजे बोलती थी, 10 बज गए, और 7:30 बजे तक तो चप्पल पड़ जाता था, और मैं उसके बाद अलसाए मन से उठता था कि यार मम्मी उठा दिया तुमने। तो उस सुबह तकरीबन 6 बजे की बात है, 6:15 का वक्त था, मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे डेटा, उन दिनों 1 GB डेटा भी बहुत ज़्यादा चल जाया करता था, वो 11 रुपये में 1100 रुपये वाले मैसेज का दौर था। अगर आप में से कोई है ऐसा जिसने 11 रुपये में 1100 मैसेज भेजे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हूँ। कुछ कूल डोड हैं शायद, उन लोगों ने वो दौर नहीं देखा होगा, आप लोग जियो के ज़माने के हैं, हम लोग उस ज़माने के हैं जब नया नया फ़ोन आया था और फ़ोन रखना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो फिर नोटिफिकेशन चेक करते हुए एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि फलानी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं छत पर उछल कर कूदा था उस रोज, इतना खुश था, इतना मुस्कुराया था कि मैं बता नहीं सकता। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आया सब कुछ नॉर्मल था, मैंने कहा तो अभी कहाँ जाएगा, कॉलेज जाना है या नहीं जाना? आज कॉलेज हम इतना ही जाते थे जितना ज़रूरत हो, और क्लासेस में तो हम कभी दिखते नहीं थे, बहुत हुआ तो कभी किसी थिएटर क्लास में चले जाते थे या फिर थिएटर में। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, वो पहाड़ी नहीं कहती थी खुद को, लेकिन जब भी बात करती थी तो उसकी बोली में पहाड़ झलकता था। मैं कहता था तुम खुद को पहाड़ी क्यों नहीं कहती, तो कहती पहाड़ी कहाँ ठहरे हम पहाड़ी है वही नहीं, तुम तो खाली भी ऐसे कहते रहते हो। तो हल्द्वानी में ही पढ़ी थी वो, यहीं कोई पास में काठगोदाम रोड पे एक स्कूल है अंग्रेजी मीडियम का, तो वहीं से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो इसीलिए बीच बीच में अंग्रेजी भी बोल लिया करती। उसमें और मुझ में बहुत बातें अलग थी, मैं गांव से वो शहर से, वो मैदानों से मैं पहाड़ों से, वो फेसबुक की दुनिया के मास्टर मैं ब्राउजर पे चलाने वाला इंसान, वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली और मैं हिंदी उर्दू की किताबें पढ़ने वाली। बातें बढ़ती गई और एक रोज उसने कहा कि ये काम करते हैं ना, अब मैं फ़ोन नंबर ही तुम्हें भेज देती हूँ अपना। फिर फ़ोन पे बातें होने लगी, पहले मिनटों फिर घंटों फिर तो पता नहीं कितना, बैलेंस बहुत कटता था। बेरोजगार जीव जानती है कि बैलेंस कटना कितना मुश्किल होता है। मैं कई बार मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करता था और उसके बाद जब बैलेंस कट जाता था, माँ पूछती थी ये पैसे कैसे कटे रहे, तो मैं कहता था वो कंपनी वालों ने काट देना, तय कंपनी वाले गालियाँ दे देती थी माँ कंपनी वालों। जाने कितनी बार मेरे चक्कर से कंपनी वालों ने गाली खाई होंगी। फिर एक दिन हमने तय किया कि हम हल्द्वानी शहर में मिलेंगे। मैंने पापा जी से कहा, अरे वो एक प्रोग्राम था पापा जी, हल्द्वानी जाना था, थोड़े पैसे चाहिए थे। पापा ने कहा अच्छा कतू डबल जाएंगे पे? मैंने कहा दे दो 100-150 रुपये जितना भी होता है। पापा ने 150 रुपये के आसपास दिए थे और थोड़े बहुत मेरी जेब में भी पैसे थे। मैं केमू की बस से आया, वो बस भी बीच रास्ते में कहीं रुक गई थी, तो देर हो गई थी काफ़ी। हल्द्वानी पहुँचने तक बहुत घुमार लग चुका था, उल्टी करने का मन हो रहा था, बिल्कुल अजीब सा ख्याल आ रहे थे मन में। अचानक से उसने कॉल किया, सुनो मैं बस स्टैंड पर ही हूँ और मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। मेरा सर बनाया हुआ था और जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुँचा, स्कूटी लेकर सामने वो खड़ी थी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, हमारी नज़रें मिली और यकीन माने वो पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू 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 में बैठे रहो, जाने की जिद ना करो।
देखिए साहब, जैसे ये गजल खूबसूरत थी वैसे ही वो दोपहर बड़ी खूबसूरत थी। हल्द्वानी में तो ठंड के मौसम में भी गर्मी लगती है दोपहर में, तो जब मैं बस से उतरा तो उसे सामने देख करके ऐसा लगा कि जैसे ठंडक का एहसास आ रहा। नहीं तो गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक की आवाज़ आपका मूड ख़राब कर देती है यहाँ पहुँचने तक। जब मैं बस से उतरा तो उसने मुझे स्कूटी में बिठा लिया। ये पहली बार था कि मैं किसी और के साथ स्कूटी पे जा रहा था, नहीं तो अब तक पापा जी के पीछे ही बैठा था मैं। पापा जी जहाँ तहाँ ले जाते थे, पहली बार था किसी लड़की ऐसी लड़की के साथ मैं स्कूटी पे जा रहा था जिससे मोहब्बत थी। उसने कहा, कहाँ को जाओगे फिर? मैंने कहा, ये शहर तुम्हारा है, तुम्हें मालूम होगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, खाड़ू डैम शहर को चलते हैं। यहीं पास में किसी कैफे पे आए थे। मैं जब कैफे में बैठा था तो मैं मेन्यू कार्ड देख रहा था। उसकी नज़र बाहर के आइटम्स पर थी और मैं रेट लिस्ट को देख रहा था। इस बीच में ज़िंदगी में बहुत कुछ आया। इंटरनेट आया, 2G से 4G का ज़माना आया, इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन वाला ख्वाब भी आया, मगर वो जो ख्वाबों में था वो नहीं आया। एक रोज़ पता चला कि उसकी शादी तय हो गई। अब ये खबर झूठी थी या सच मुझे नहीं मालूम, ना मैंने जानने की कोशिश की, मगर मेरे ख्यालों में वो है। आज भी जब कभी उसकी याद आती है तो याद करता हूँ और पप्पूदा का वही गीत दोहराता हूँ जो वो अक्सर कहते थे कि जो मिल नहीं पाते वो फिर ख्वाबों में बात करते थे, और वही गीत आज इस महफिल से दोबारा से दोहराते हैं। मैं चाहूँगा कि पप्पूदा के इस गीत को आप भी आवाज़ दें, जहाँ जैसे बैठे हैं, जितना हो सकता है, जितने सुर मिल सकते हैं उतने सुर मिलाइए, और हर कोई कहे कि फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात था, जीवन तो होली मेरी मैं जुनियाली रात था। आप सभी गाएं तो और खूबसूरत रहेगा, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाइएगा जितना जिससे हो पाएगा। फूलों में भौरों में होली तेरी शाम में कहानियों के बाद यही पूरी होती है। मैं चाहूंगा एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, जितना हो सकता है आपसे आपकी तालियां हम तक पहुंचाएं, ताकि हमें एहसास हो कि ये खूबसूरत एहसास आपकी जिंदगी से होकर गुजरा है। मैं एक बार फिर तो यहाँ मेरी जान पूरी होती है, लेकिन दिल में बेहिसाब मोहब्बत में आपके लेकर जा रहा हूँ। बहुत से ख्याल, बहुत सी बातें, बहुत सी यादें, ये हमेशा रहेंगी जिंदा। और कमाल बात यह है कि हल्द्वानी शहर में हमारा पहला शो है, और जैसे उम्मीद थी कि हमें बेहिसाब मोहब्बत मिलेगी, उतनी मोहब्बत हमें मिली भी। और मैं चाहूँगा कि हल्द्वानी शहर में कितना शोर है, कितनी आवाज़ है, एक बार सभी तालियों के कोलाहल से हमें बता दें तो हमें एहसास हो। क्या बात है, बेहद शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। फिर किसी मोड़ पर ऐसे ही मुलाकात करेंगे, फिर कुछ खूबसूरत सी बात करेंगे। शुक्रिया। यूं ही पहलू पहलू पहलू